दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि IRCTC एप्लीकेशन से तत्काल टिकट जो कि कन्फर्म टिकट कैसे बुक करें। इसके लिए यहाँ पर जो कि टिकट की बुकिंग करते समय आपको कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वन क्लिक में यहाँ पर आपका टिकट बुक होगा, वो भी यहाँ पर जो कि 100% कन्फर्म टिकट बुकिंग हुआ। आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि तत्काल टिकट को कैसे यहाँ पर किस स्टेप से बुकिंग करेंगे कि हमारा टिकट कंफर्म बुकिंग हुआ। तत्काल टिकट यहाँ पर ट्रेन के स्टार्टिंग डेट से यहाँ पर एक दिन पहले बुकिंग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि एसी का टिकट मॉर्निंग में 10 बजे और यहाँ पर स्लीपर का टिकट जो कि मॉर्निंग में 11 बजे बुकिंग होता है। आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो IRCTC एप्लीकेशन में ID पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपने IRCTC एप्लीकेशन का ID पासवर्ड नहीं क्रिएट किए हैं तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से सबसे पहले तो IRCTC एप्लीकेशन का ID पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होइएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। मास्टर लिस्ट तैयार करने से आपको जब कभी भी टिकट को बुक करिएगा तो उसमें यहाँ पर पसेंजर को डिटेल्स उसी टाइम ऐड नहीं करना पड़ेगा। मास्टर लिस्ट में पहले से आप ऐड करके रखेंगे, बस वहाँ पर जस्ट वन क्लिक में आप उसका डिटेल्स पूरा ऐड हो जाएगा। इसके लिए नीचे में माई अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में ऐड पैसेंजर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पैसेंजर का डिटेल्स ऐड करना है। इन केस ऊपर में पैसेंजर का नेम, नीचे में डेट ऑफ बर्थ, इसके नीचे जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप नॉन वेज है या वेज है और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक ID टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है। इन केस यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है और उनका यहाँ पर नंबर ID कार्ड में फिलअप कर देना है और सारा चीज़ फिलअप हो जाने के बाद ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल्स ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा भी पैसेंजर डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर से आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके यहाँ से आपको डिटेल्स फिलअप करके ऐड पैसेंजर पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि जितने भी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सबसे पहले मास्टर लिस्ट में ऐड कर लेना है और पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के बाद प्लान माई जर्नी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्म में सेलेक्ट करना है कि आपको किस स्टेशन से जर्नी स्टार्ट करना है और टू में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस स्टेशन तक जर्नी करना है। इसके नीचे यहाँ पर आपको जनरल कोटा दिखाया जा रहा है, इन केस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको तत्काल सेलेक्ट करना है। इसके नीचे डिपार्चर डेट का ऑप्शन आ रहा है, इन केस यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है और सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रेन का डिटेल्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाया जा रहा है कि आपका कब ट्रेन चालू होगा और कब यहाँ पर आपके लास्ट जर्निंग स्टेशन पर पहुँचा देगा। यहाँ से आपको कोई जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है उस ट्रेन को यहाँ से आपको स्लीपर जैसे क्लास स्लीपर रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं AVL लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर टिकट जो कि जो बुक होगा कंफर्म होगा। यहाँ पर अवेलेबल सीट है 2S में, जैसे अगर आप क्लिक करें तो इसमें अभी अवेलेबल दिखाया जा रहा है। 3S में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अवेलेबल दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जिस ट्रेन में टिकट को बुक करना है उसका सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि उसमें टिकट की सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी टिकट में WL लिखा है, यानी कि उस ट्रेन में वेटिंग टिकट आपको यहाँ पर हो गया है, तो जिस ट्रेन में बुक करना है यहाँ पर आपको अवेलेबल जरूर देखना है AVL। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है और आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ट्रेन डिटेल्स दिखाया जा रहा है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जर्नी करेंगे ये भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पर अवेलेबल दिखाया जा रहा है आपका सीट। नीचे में ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आपको पैसेंजर डिटेल्स ऐड करना है। अगर आप अभी पैसेंजर डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर आपको क्लिक करके पैसेंजर डिटेल्स ऐड करना है। जब कभी भी तत्काल टिकट बुक करिएगा तो आप मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल्स को पहले से ऐड करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम आप पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी सारे समय लगेगा, जिससे कि आपका यहाँ पर
टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा। मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल्स को ऐड कर लिए हैं, उसको ऐड करने के लिए ऐड एक्सटिंग पर आपको क्लिक करना है। मास्टर लिस्ट में जो भी पैसेंजर का डिटेल्स ऐड किए हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पैसेंजर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जिस पैसेंजर का डिटेल्स ऐड किए हैं मास्टर लिस्ट में, यहाँ पर ऐड हो गया है। नीचे आपको मोबाइल नंबर एक दिखाया जा रहा है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा पैसेंजर का नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर आपको नहीं फिलअप करना है, नीचे स्टॉल करके आ जाना है और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। इन केस ऊपर में आपको अपना एड्रेस का डिटेल्स फिलअप करना है, ये दोनों जो कि ऑप्शनल है। ऊपर में जो कि आपको एक एड्रेस फिलअप कर देना है, इसके नीचे आपको अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके आगे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी पेमेंट पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जितना भी यहाँ पर टिकट का पेमेंट होगा साथ ही साथ 15 रुपये का आपको GST पे करना पड़ेगा। अगर आप भीम UPI से पेमेंट पे करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट को पे करना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर GST प्लस 10 रुपीज़ प्लस टिकट का चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पर भीम UPI से पेमेंट को पे करेंगे। इसके नीचे ट्रेवलेंस इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है, इनकेस यहाँ पर अगर आप ट्रेवल का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो अगर आपको यहाँ पर गाड़ी में किसी प्रकार का यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो इसमें आपको इंश्योरेंस भी हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर पर्सन 35 पैसा का यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करना चाहते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका डिटेल्स दिखाया जा रहा है, नीचे स्टॉल करके आना है और यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद प्रोसेड टू पे पर आपको क्लिक करना है, येस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट पे करने का ऑप्शन आ रहा है, इन केस यहाँ से आपको पेमेंट पे करना है तो यहाँ से मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन का इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से कोई भी यहाँ पर पेमेंट पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो कि फ़ोनपे से पेमेंट को पे करेंगे तो यहाँ से फ़ोनपे को सिलेक्ट किए हैं, पे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी मेथड से आप पेमेंट को पे कर पाएंगे और यहाँ से आपका UPI ID भी दिखाया जा रहा है। पे पर क्लिक करके यहाँ से आपको पेमेंट को पे कर देना है और पेमेंट पे होते ही यहाँ पर आपका टिकट कंफर्म जो कि बुकिंग हो जाएगा, जैसे कि हमारा इन केस दिखाया जा रहा है। आपका ट्रेन का PNR नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है और आपका ट्रेन का डिटेल्स दिखाया जा रहा है। नीचे आपको डिटेल्स भी देख पाएंगे कितना पेमेंट आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, सारा चीज़ यहाँ से आप टिकट को देख पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेन में यूज करने के लिए आपको प्रिंट आउट नहीं कराना पड़ेगा, इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप जैसे कि लोगो देख पा रहे हैं आप ट्रेन टिकट को डाउनलोड भी कर पाएंगे और यहां से आप ट्रेन टिकट को यूज कर पाएंगे। अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर में 3 लाइन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, कैंसिल टिकट पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको पैसेंजर डिटेल्स को सेलेक्ट करना है और कैंसिल पर क्लिक करके यहां से आप ट्रेन टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि तत्काल टिकट को इजीली आप बुक कर पाएंगे, जिसमें आपको कन्फर्म टिकट के साथ मास्टर लिस्ट में ऐड करके टिकट को आप बुक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।